हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू बजट पेश किया गया है 2023-24 का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है जिसमें हम सभी वेट करते हैं, जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स है, उसके क्या चेंजेस आए हैं, क्या अनाउंसमेंट हुई है आज, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले जो स्लैब से 6 हमारे, उनको रिड्यूस करके 5 स्लैब्स कर दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पहले आप 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देते थे, अब उस बेसिक एग्जम्पशन को इंक्रीज करके जो है 3 लाख तक का कर दिया गया है। न्यू जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। हम पहले पढ़ते थे ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, उसके हिसाब से आप जो न्यू रिजीम जो है इनकम टैक्स का, वो यहाँ पे अपडेट हो गया है। जहाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था, अब 3 लाख इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया गया है। 3 से 6 का पहला जो स्लैब है, पहले ये जो हमारा स्लैब था 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में था, जहाँ पे 5% टैक्स देना पड़ता था, और उसके बाद हमारा जो टैक्स स्लैब है वो सभी चीजें अपडेट कर दी गई है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स है, 9 लाख से 12 लाख के स्लैब में 15% टैक्स देना होगा, 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20%, अगर आपकी इनकम पर एनम एनुअली 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स जो है देना पड़ेगा। बेसिकली ये जो न्यू स्लैब्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये न्यू स्लैब हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो सालाना जो इनकम होती है उसके लिए स्लैब जो है बनाए गए हैं, और ये न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग जो है चलेगा। अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा जो अभी जो नया अपडेट हुआ है इनकम टैक्स के स्लैब, जो कि डिफॉल्ट सेट कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप पुराना ओल्ड जो रिजीम है अगर आप वो यूज करना चाहें तो आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो लास्ट हमारी जो रिबेट थी 5 लाख तक की, बेसिकली हमने पढ़ा था पहले, हम ये देखते थे 5 लाख तक की इनकम पे जो इंडिविजुअल्स है पर एनम जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसकी रिबेट को बढ़ाकर आप 7 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो नॉन सैलरीड हो, अगर वो इनकम अर्न कर रहे हैं और उनकी सालाना जो इनकम है 7 लाख तक अगर होती है तो उनको टैक्स जो है यहाँ नहीं देना पड़ेगा। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो इसमें 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट हुआ करती थी, जो लीव इनकैशमेंट था जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया था जो सैलरीड एम्प्लॉयज है उनके लिए 2002 के अंदर, उसको इंक्रीज करके यहाँ पर 25 लाख का कर दिया गया है, जो कि एक मेजर डिफरेंस आया है तब से लेकर अब तक के बजट के बीच में। पर्सन अर्निंग 9 लाख और यर विल नाउ बी पेइंग जस्ट ₹45,000 इंस्टेड ऑफ 60,000। बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अर्न कर रहे हो लगभग 9 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हो, तो पहले आपको 60,000 रुपए टैक्स बनता था आपका, बेसिकली ₹45,000 जो है यहाँ पे जो है अब बन रहा है इसकी जगह पर। और जितने भी सैलरीड पर्सन है यहाँ पर, अगर उनकी जो इनकम होती है फॉर एग्जाम्पल 15.5 लाख 15.5 लाख तक, तो उनको जो बेनिफिट होता है यहाँ पर, तो उसका जो बेनिफिट है टैक्स में 52,500 तक का बेनिफिट यहाँ पे उनको इनकम टैक्स में जो है मिलेगा इनको पर एनम। लास्ट यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो हाईएस्ट टैक्स रेट है इंडिया का वो बढ़कर 42.74% हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट इन वर्ल्ड का हाईएस्ट इनकम टैक्स है। जो पर्सनल इनकम टैक्स यहाँ पे बताया गया है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड का भी हाईएस्ट इनकम टैक्स बनाया गया है। लास्ट जो हमारे सरचार्जेस हुआ करते थे 37% सरचार्जेस हुआ करता था, अब जो रिड्यूस होके मैक्सिमम जो सरचार्ज है अब इनकम टैक्स के अंदर वो 25% जो है इंक्रीज हो गया है। तो ये कुछ बेसिक हाइलाइट्स थे जो आज बजट हमारा अनाउंस हुआ है 2023-24 का, उसमें जो मेन कोर एलिमेंट है वो कोशिश करिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की।